जी नमस्कार। दिखाई नहीं देता पर शामिल जरूर होता है, हर खुदकुशी करने वाला का कातिल जरूर होता है। जी हाँ, हम ये बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आकांक्षा दुबे के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब जो है वो इस दुनिया में नहीं है, छोड़ के जा चुकी है, चाहे जैसे भी जाए। लेकिन जो है उनके जाने के बाद से जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में देखिएगा कि जितना भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस है, सिंगर है, सब लोग जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जो है रेस्ट इन पीस लिखने में भैया लगे हुए हैं। लेकिन जो है एक भी भोजपुरी स्टार कोई भी जो है आकांक्षा दुबे के घर पे नहीं गया है उनके परिवार वालों को सांत्वना देने, ऐसा जो है कहना आकांक्षा दुबे की माँ का है। लेकिन जो है हमारा टॉपिक इस पर नहीं है। लोग जो है बहुत सारा लोग यूट्यूब पर ये आकर कह रहे हैं कि सारा गलती जो है लड़की लोग का ही होता है। अगर उन लोगों का गलती ना हो तो जो है किसी को भी खुदकुशी करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन हम जो है ऐसे लोग से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि क्या सिर्फ गलती जो है एक ही इंसान में होता है? अगर भैया ताली बजता है तो दोनों तरफ से बजता है, चाहे लड़की हो, एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, कोई भी हो, ठीक है ना। एक्ट्रेस अगर लाख चाह ले और एक्टर अगर मतलब बढ़िया रहेगा तो क्या जो है ऐसा घटना कहीं भी फील्ड में, फिल्मी दुनिया में हो सकता है क्या? हाँ, कहीं ना कहीं जो है एक्टर का भी होता है इसमें और एक्ट्रेस का भी, भैया दोनों का गलती होता है। लेकिन अगर एक भी आदमी सही रहे तब जो है ऐसा घटना कभी नहीं हो पाएगा। हाँ, तो क्या आकांक्षा दुबे पे जो है आरोप लगाना ये कितना हद तक सही है? आपके हिसाब से आकांक्षा दुबे में गलती है या जो है एक और पार्टी जो एक्टर है जिसका नाम है समर सिंह उसमें गलती है? आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जो आप कमेंट करके जरूर कहिएगा। भाई जो मिलेगा आपसे अगली बार। यहाँ तक देखने के लिए वीडियो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।